मेरे खोल रही है पंछी को उड़ा कर दिल मेरा चुरा कर पंछी को उड़ा कर दिल मेरा चुरा कर दीवाना बना कर फिर हुस्न के मैदान में दिल तोड़ रही है में जुल्फे तेरी एक हाथ में सावर एक हाथ में जुल्फे तेरी एक हाथ में सावर मैं इश्क का काबा बनूं मैं हुस्न का मंदिर मैं इश्क का काबा बनूं मैं हुस्न का मंदिर फिर हिंद को हम प्रेम का पैगाम सुनाएं रूठी हुई प्रजा को हम फिर से मनाएं रूठी हुई प्रजा को हम फिर से मनाएं इंसान को इंसान से आजाद कराएं इंसान को इंसान से आजाद कराएं पंछी उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी हर गुल पे हुस्ने नूर जहां से निखार तुम मेरे पास हो तो चमन में बहार है गुर्बत की बेकसी में बहारों से फायदा राहगीरों हज़ीनों की महफ़िल से दूर हूँ खोया गया हूँ राह में मंजिल से दूर खिलवत में शह के आने की जुर्रत हुई तुझे है किसके रूबरू यह मालूम भी तुझे हो ऐसा हुस्न जलवा फिगन जिसके सामने क्या जाने वो गरीब के है किसके सामने शोखी अगर नहीं मलका से तो क्या है ये बदबख्त तेरी बेदबी की सजा है ये दिखाना तो जरा ये पिस्तौल अरे है सारा खेल मिट्टी में मिला दिया अरे तुम्हें यहाँ मरकर गिर पड़ना था इस टके के पिस्तौल से जिससे कुत्ते बिल्ली तक का मरना बेइज्जती मालूम हो मैं नहीं मरती इस पिस्तौल से तो खेल ही तो रहे हैं खेल में दिखावे की सब चीजें ऐसे ही इस्तेमाल की जाती हैं तो दिखावे की सब चीजें मेरे ही वास्ते रह गई हैं ये अच्छा खेल रहा कि खुद तो दोनों जहांगीर और नूर जहां बन बैठे रेशमी कपड़े भी पहन लिए जेवर भी लाद लिए
और अपने बेटे को कालीन और तकिए भी ला रखी और मुझे क्या बनाया राहगीर। पहनने को ये चीथड़े दे दिए, लगाने को ये बकरे किसी डारी और उठाने को ये मैली गठरी। मैं नहीं खेलती ऐसा की। नहीं खेलती तो न खेलो, भाग जाओ यहाँ से, हमेशा कोई न कोई फितना खड़ा कर देती है। ये बात है, ठहर तो जाइए, अभी जाके सब बातें अम्मी जान से कहती हूँ। क्या कहोगी अम्मी जान से? कहूंगी खेल में अनवर भाई खुद तो बने हैं जहांगीर और जीनत आपा को बना रखा है अपनी नूर जहां। दोनों शादी से पहले ही मियां बीवी बन बैठे। हाय हाय, सुनो तो नजमा, तुम तो एक जरा सी बात में दिया सलाई की तरह सुलू घुसती हो, बताओ तो चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि मेरे मारने के लिए असली पिस्तौल आए। मगर ये तो बताओ, असली पिस्तौल है कहाँ? मुझे मालूम है, अब्बा जान की मेज की दराज में। अगर असली पिस्तौल आ भी गया तो उसके लिए नकली गोलियाँ कहाँ से आएंगी बेगम साहिबा? पिस्तौल मैं लाती हूँ, नकली गोलियाँ बाजार से आप लें। अच्छी बात, तो जाओ पहले जाकर तुम पिस्तौल लाओ। कहूँ भजवा बेटी, अब तक काम कर रहे हैं आप, जब भी तो आपको दवाएं पीनी पड़ती है। तो तुम चाहती हो तुम्हारी तरह मैं भी खेलता रहा करूँ? मैं नहीं करने दूंगी इतना काम, उठिए मेज पर जाइए, थोड़ी देर बाग में टहलिए, उठिए ना। ओह मेरी मुन्नी सी नजमी, इतना ख्याल रखती है मेरा, मगर क्या करूँ बेटी, जब तक काम खत्म ना हो जाए उठने को जी नहीं मानता। जरा सी देर को भी नहीं। अच्छी बात है, आपके आने दीजिए डॉक्टर साहब को, मैं उनसे कहूंगी बामिया को दवाई कोई ना दीजिए, बस इनकी मेज के कागज से मेरे का साथ ले जाइए, ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये ठेकेदारी का काम ऐसा है बेटी कि रोज का खर्च रोज ना लिख लिया जाए तो सारा हिसाब भिटभिट हो जाता है। हाँ अच्छा, ये तो बताओ कि तुम सुबह से क्या कर रही हो? मैं? हाँ? एक नाटक अनवर भाई ने लिखा है, हम सब उसका खेल खेल रहे हैं। नाटक? अरे भाई तुम लोगों का नाटक देखने को तो हम भी काम खत्म किए बगैर ही उठ खड़े। नहीं नहीं अब्बा मियाँ, हिसाब ही खत्म कीजिए आप, नहीं तो सारा हिसाब गिटमिट हो जाएगा। बस मुझे तो आपकी फिक्र जरा कुछ जरा खींच लाई थी। अच्छा चलती हूँ। ये उल्टे पांव क्यों? बड़ों की तरफ पीठ करना बदतमीजी की बात है ना। बड़ी तमीज वाली बन गई है नजमी। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं अम्मी। ये पीछे क्या है? कुछ नहीं। आए हाय पिस्तौल। पिस्तौल कैसा? ये देखो। अरे चोटी, ये पिस्तौल उड़ाने के लिए हो रही थी मुझसे हमदर्दी। मैं भी कहूँ कि आज नजमा को मेरी सेहत की फिक्र क्यों हो गई? जरा खेलने को ले जा रही थी। पिस्तौल बच्चों के खेलने की चीज है? तुम्हें मुझे थोड़ा ही चलाना है, उसे तो अनवर भाई के खेल में जीनो तापा चलाएंगी। उनसे कहो नकली पिस्तौल मंगा ले बाजार से, ये पिस्तौल नहीं मिल सकता। अरे भाई हम ला देंगे अपनी बेटी को ऐसा नकली पिस्तौल जो बड़े जोर से चलता है और जिसमें से आग भी निकलती है, बस फिर तो मेरी तंदुरुस्ती का फिक्र नहीं सताएगा ना। और देखो अपनी जीनत आपा से कहो कि पान के दो चार टुकड़े लगा ले मेरे लिए। खुद लगा ला हूं मैं। तुम चूना थोप कर जुबान काट डालोगी, जीनत इसे कह दो। नाहक बच्ची का दिल मैला किया, जरा सी देर को पिस्तौल से खेल लेती तो क्या मजाका था। मुश्किल ना फूल लो, बच्चे इस पिस्तौल से खेले जिससे दो इंसानों का खून हो चुका है। मुझे तो इस पिस्तौल से हौल आता है, संभालो इसे, बंद कर दो मेज के दराज में। इस पिस्तौल ने सिर्फ जुर्म ही नहीं किया बल्कि बहादुरी के हाथ। मॉर्निंग आंटी। कौन? इकबाल भैया? हाँ
फाइन वेदर, बड़ा अच्छा मौसम है। हाउ डू यू डू, वेयर इज अंकल? आई एम सॉरी, कजन्स ओके आंटी? भाई तुम्हारे गिट पिट से मेरा धम उलझता है। तुम भले मानसों की तरह अपनी बोली में फूफी कहकर बुलाया करो मुझे। खालम्मा ये लीजिए अपना झूमर। आई विश यू ए वेरी गुड मॉर्निंग कजन। वेल व्हाट्स द मैटर, मिस ज़ीनत घबरा कर भाग क्यों गई? इकबाल मियाँ, ज़ीनत अल्लाह रखे जवान हो गई, अब उसका छिपना ही मुनासिब बात है। छिपना? नॉनसेंस। कम से कम इंग्लिस्तान में नौजवान लड़कियों को कोई यूं नहीं छुपाता। मगर बेटे हम बेचारे तो हिंदुस्तान के काले लोग हैं ना। एंड यू मीन टू से ज़ीनत अनवर से भी पर्दा करती है? अनवर से तो आते साल अल्लाह खैर रखे तो उसका ब्याह कर देने का इरादा है। अनवर से ब्याह? गुड हेवंस, तो अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पका रहे हैं आप लोग। लेकिन आपको ये अख्तियार कहां से मिल गया कि मुझसे तो मिस ज़ीनत का पर्दा कराएं और अनवर को मौका दें कि वो उनकी मोहब्बत को जीत ले? मिस ज़ीनत अगर आपकी बहन की बेटी है तो मैं आपके भाई का बेटा हूं। मिस ज़ीनत पर जितना आपके अनवर का है उतना ही मेरा भी है। मगर बेटे अनवर से ज़ीनत का रिश्ता तो ज़ीनत के माँ बाप ने मरने से पहले खुद तय कर दिया था। नॉनसेंस, उन्हें क्यों कर मालूम हो सकता था कि खास उम्र को पहुंचकर मैं भी ज़ीनत से शादी करना चाहूंगा? उन्हें यह रिश्ता तय करने का कोई हक ना था। कम से कम इंग्लिस्तान में रिश्ते यूं तय नहीं किए जाते, लड़के लड़कियां अपना रिश्ता खुद तय करती हैं। मुझे इस मामले के मुतालिक फौरन अंकिल से बात करनी चाहिए। इस मेरे मुकद्दर पर करते हैं इशारे या शाहे मदीना, हंसते हैं सितारे। ज़ीनत आपा, अब्बा जान बाहर पान मांग रहे हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़ीनत को पूरी आजादी हासिल थी और है, उसे खुद अनवर से मोहब्बत, और तुम्हारा रंग ढंग और चाल चलन नापसंद है। ये नामुमकिन है, कोई हिंदुस्तानी लड़की किसी इंग्लैंड रिटर्न जेंटलमैन को नापसंद नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे मिस ज़ीनत से मोहब्बत जाहिर करने का मौका दिया जाए। कम अज कम इंग्लिस्तान में हर नौजवान को इजाजत होती है कि जिस लड़की से मोहब्बत हो उसकी खिदमत में फूल पेश करके उससे इजहार मोहब्बत करे। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अब इंग्लिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हो, और हिंदुस्तान में ऐसी बात करने वाले को कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। खालूजा, छालियां कतरने में देर हो गई। ज़ीनत, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। कम से कम इंग्लिस्तान में लड़कियां नौजवानों को देखकर यूं नहीं घबरा जाती। मैं चाहता था आपसे मिलूं और फिलहाल सिर्फ ये फूल आपकी खिदमत में पेश करूं। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी आपसे फूल आने को न कहा था। मोहब्बत के फूल पेश किए जाने पर कम अज कम इंग्लिस्तान की कोई लड़की ऐसी बात नहीं कहती। ज़ीनत, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत। बस बस, इस बेहूदगी का जवाब मुझे सख्ती से ना देना पड़ जाए। ज़ीनत, मेरी मोहब्बत की कदर करो, मैं तुम्हें अनवर की तरह घर की चहार दीवारी में कायद न रखूंगा, बल्कि बाजार, पार्क, सिनेमा थिएटर, नाच घर, तफरी के हर मुकाम के दरवाजे तुम पर खोल दूंगा। मेरी होकर तुम जिंदगी के फल में से लज्जत की आखिरी बूंद निचोड़ सकोगी। अगर आप ये समझते हैं कि हम चार दीवारी में रहने वाली लड़कियाँ इस लज्जत के लिए तरसती रहती हैं तो आप गलती पर हैं। ज़ीनत, चार दीवारियों की कैद ने तुम्हें दुनिया की दिलचस्पियों से अलग कर रखा है, तुम्हें आज़ादी चाहिए। आज़ाद होकर इन दिलचस्पियों को पा सकती हो। जो आज़ादी हमारा हक है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता, और जिस आज़ादी का ख्वाब आपने मुझे दिखाया है
पर चार दीवारी में रहने वाली हर हिंदुस्तानी लड़की लानत भेजती है। अगर तुम्हें आजादी नापसंद है तो लो, मैं तुम्हारे सामने उससे भी कीमती चीज पेश करता हूँ। मैं अपना दिल, अपनी मोहब्बत, अपना मुस्तकबिल, अपना सब कुछ तुम्हारे पैरों में रखता हूँ। मेरे पैरों में इतना कूड़ा ना फैलाइए, मुझे झाड़ू दिलवानी पड़ जाएगी। कम अज कम इंग्लिस्तान में आज से तुम्हारा और जीनत का पर्दा हो। पर्दा? वो क्यों? अगर जीनत के माँ बाप जिंदा होते तो वो उसका तुमसे पर्दा ना कराते शायद। अब वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे सामने आती रहे कि यतीम हो चुकी है। क्या हमने कोई ऐसी बात की जो आपको नामुनासिब मालूम हुई? तुमने कोई नामुनासिब बात नहीं की, लेकिन तुम दोनों की बेतकल्लुफी देखकर दुनिया को तो ये कहने का मौका मिलता है कि बेटे की खातर खाला यतीम भांजी को पर्दे में नहीं बिठाती। जब हम अपनी नजरों में आप बुरे नहीं तो हमें किसी के कहने की परवाह क्या? जीनत अगर यतीम ना होती तो मैं भी परवाह ना करती। आपको दूसरों का अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा ख्याल है? ज्यादा से ज्यादा मैं इतना कर सकती हूँ कि जीनत का तुमसे पर्दा ना कराऊं, लेकिन आप उसकी बेतकल्लुफी को तुम इस वक्त से खत्म समझो। ममता शायद इसी को कहते हैं। क्यों दिल दुखाने की बातें करते हो अनवर? दुखना सिर्फ आप ही का दिल जानता है। मेरा दिल अगर आप पत्थर का समझती हैं तो आप गलती पर हैं। अब्बा जान, मेरा अम्मी जान के साथ गुजर नहीं हो सकता। जब हो कोई ना कोई नादिरशाही हुक्म सुना दिया जाता है, मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ कि मेरा बुरा भला सिर्फ वही समझ सकती हैं? मुझसे उनकी ऐसी बातें अपना सही जाएंगी। तुम अपने बाप के पास अपनी माँ की शिकायत लेकर आए हो और मैंने अपनी माँ की खातिर कभी अपने बाप की मगफिरत तक के लिए दुआ नहीं की। माँ की खातिर बाप की मगफिरत तक के लिए दुआ नहीं की? मैं समझा नहीं आपने क्या फरमाया। कुछ नहीं, अपनी माँ की तस्वीर और तुम्हें माँ से नाराज देखकर पुरानी यादों ने मुझे बेकाबू कर दिया, वरना शायद तुम्हारे सामने ये बात मेरी जबान से ना निकलती। तो गोया खानदान का कोई भेदा मुझसे छिपा कर रख रहे हैं? इस ख्याल से कि सुख में वही रहता है जो अनजान हो। लेकिन जब अनजान को मालूम हो जाए कि एक भेद उसे छिपा कर रखा जा रहा है तो उसे ये समझ कर सब्र कर लेना चाहिए कि इस भेद के खुल जाने से खानदान की बदनामी का डर है। मगर मैं खानदान में से हूँ और मेरे अनजान रहने से बदनामी का धब्बा मिट नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे कंधे एक बोझ संभालने की जिम्मेदारी से बचे रह सकते हैं। मैं जवान हूं और मेरे कंधे मजबूत हैं। तुम जवान हो, तुम्हारे कंधे मजबूत हैं? दुरुस्त, मैं उस वक्त जवान नहीं था, बच्चा था, 12-13 साल का नादान, जब मेरे बाप का जुर्म मेरे कमजोर कंधों पर एक पहाड़ की तरह आन पड़ा। बाप का जुर्म? उनका जुर्म क्या था? खून। खून? हाँ, दो इंसानों का खून। एक उस बाजारी औरत का खून जिससे उन्हें मोहब्बत थी, और एक उस रकीब का खून जिससे उस बाजारी औरत को मोहब्बत। और फिर अदालत ने उन्हें 28 साल कैद की सजा। सजा? हाँ, सजा। औलाद के लिए माँ बाप जायदादें छोड़ते हैं, दौलत छोड़ते हैं, रुतबा और शोहरत छोड़ते हैं, कारोबार और तिजारत छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते तो इज्जत और आबरू छोड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे बाप ने वर्षे में अपने बाप से क्या पाया? सिर्फ खूनी के बच्चे का खिताब। यारब, खानदान की साख मिट गई, पूंजी मुकदमे में उठ गई, आबरू सजा से लुट गई, एक 12-13 साल का बच्चा इस संगर दुनिया में जो तानों और मुलामतों से भरी हुई थी कंगाल और आसरा हो गया। और उस बच्चे की देखभाल किसने की? उसकी मां ने, मोहब्बत और शफकत की उस नूरानी पैकर ने, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी गोद में खुदा की रहमत आबाद।
और मैं अपनी माँ की शिकायत लेकर आपके पास आया था। और फिर क्या हुआ? मेरी माँ मुझे लखनऊ से दिल्ली ले आई, मेरा नाम बदल डाला, एक नए शहर में नए नाम से मेरी नई जिंदगी की न्यो रखी, चक्की पीसने की मुशक्कत से मेरा पेट पाला, सिलाई की दीदारेजी से मेरा तन ढाका, मोहल्ले की बच्चियों को कुरान शरीफ पढ़ाकर मुझे लिखाया पढ़ाया, उसकी हसरतों ने मुझ में उमंग पैदा की, उसकी ढारस ने मुझ में हौसला फूका, मुझे उससे ज्यादा बख्शा जो कुछ के मेरे खूनी बाप ने ये पिस्तौल चलाकर मुझसे छीन लिया था। ये पिस्तौल मैंने कभी ख्याल ना किया था कि इस पर कुछ नाम खुदे हुए। उन बुजुर्गों के नाम जिनके हाथ से होती हुई खानदान की ये यादगार मुझ तक पहुंची। और इनमें मेरे दादा का नाम मौजूद था, लेकिन जिस शख्स ने खून बहाकर और कैद की सजा पाकर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसका नाम एक खानदानी यादगार पर बाकी रहने का हक ना रखता था। इसीलिए ये जिस रोज मुझे खबर मिली कि वो कैद खाने में मर गए, उसी रोज मैंने इस पिस्तौल पर से उनका नाम खुरी डाला। मगर उनका नाम क्या था? अकबर। मेरा नाम अकबर है। काम क्या है? मुझे रामचरण जी से मिलना है। मैं उनका बेटा हूँ। पिताजी वकालत का काम छोड़ चुके हैं। आपको अगर किसी केस में सलाह लेनी है तो इस सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे सलाह नहीं लेनी है, रामचरण जी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। पुराने दोस्त? अच्छा आप अंदर आइए, मैं उन्हें खबर करता हूँ। छोटी कहीं थी। पिताजी बाहर कोई साहब अकबर मिलने के लिए आए हैं, कहते हैं आपके पुराने दोस्त हैं। मेरे पुराने दोस्त अकबर? मुझे तो इस नाम का कोई दोस्त याद नहीं। अच्छा उन्हें अंदर बुलाओ। अच्छा अब तुम सबको छुट्टी। शीला इस गुड्डी को भी लेके जा। आइए अंदर आ जाइए। मिलना है आपको? हाँ हाँ शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका वही पुराना दोस्त अकबर हूं, वो शख्स जिसके कत्ल के मुकदमों में आज से 25 साल पहले आपने वकालत की थी। आप? मैं क्यों कर यकीन करूं? अकबर और यूं यकायक मुझे तो ख्याल तक न रहा था कि आपकी सजा की मुद्दत खत्म हो चुकी है। सजा के चंद साल अभी बाकी थे, लेकिन मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। ताजपोशी की खुशी में जिन कैदियों को छोड़ा गया उनमें मुझे भी चुन लिया गया। हो तशरीफ रखिए। बेटा रतन पहले आपके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। अच्छा पिताजी। हाँ तो आप सीधे मेरे ही पास आ रहे हैं? और कौन था,
जिससे मुझे अपने अजीजों का हाल मालूम हो सकता। अजीजों का हाल? आपकी बीवी के स्वर्गवास होने की खबर तो आपको जेल में भेजी गई थी? हाँ हाँ, मगर मेरा बेटा वो कहाँ है? मैं उसे देखने को बेताब हूँ। आप उसके पास जाने का इरादा रखते हैं? मुझे न जाना चाहिए। मैं यही मशवरा दूंगा। वो समझता है कि आप कैद खाने में मर चुके। मैं मर चुका? जो से किसने कहा? मैंने। आपने? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी पर आपके जुर्म का साया पड़ रहा था। वो ये भूल न सकता था कि उसका बाप खूनी है और कैद खाने की दीवारों के अंदर जिंदगी के सांस ले रहा है। ये ख्याल एक अनोखी तरह उसे नाकारा और बेहिम्मत बना रहा था। उसे तरक्की के रास्ते पर डालने का तरीका मुझे इसके सिवा और कुछ ना सूझा कि उसे आपके मरने की झूठी खबर देनी। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी याद तक मेरे बेटे की जिंदगी से निकल चुकी है। गुनाह जो सजा ईश्वर की तरफ से मिलती है वो कानून की सजा से बहुत सख्त होती है। मैं उसे एक नजर देख भी नहीं सकता। वो अब लखनऊ में नहीं रहता और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये भी ना पूछें कि वो कहाँ रहता और क्या करता है। उसकी जिंदगी में आपका कोई हिस्सा नहीं। उसे जिंदगी में आपसे सिर्फ दुख ही दुख मिला। उसने अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ की मेहनत और अपने बाजू की हिम्मत से बनाई। उसके दिल में आपके खिलाफ कीना मौजूद है। खाने की जलती हुई लंबी दो पैरों और फूके मारती हुई वीरान रातों में, जब वक्त एक बोझल पत्थर की तरह सीने को कुचल रहा होता था, तो पसीने में नहाया हुआ ये बेसुध बूढ़ा जिस सिर्फ मौत से एक ही इल्तिजा किया करता था, सिर्फ अपने जिगर के टुकड़े को एक बार देखने और चूमने और सीने से लगाने की मोहलत बचते, मेरे खिलाफ कीना मौजूद है। यार, मेरी जिंदगी और आजादी भी क्या मेरी सजाई का हिस्सा बनना था? आप परेशान ना हो, मेरे मेहमान ठहरे। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ठिकाना किसी मुनासिब जगह बना दूं। Thank you.
मार गई दे हमें तेरी नजरिया प्यारी नजरिया तिरछी नजरिया मार गई ओ कहे मैं जादू करनी मार गई दे हमें तेरी नजरिया प्यारी नजरिया तुझी नजरिया मार गई मार गई दे हमें तेरी नजरिया प्यारी नजरिया अच्छी नजरिया मार गई मार गई दे हमें तेरी नजरिया प्यारी नजरिया अच्छी नजरिया मार गई दे हमें तेरी नजरिया प्यारी नजरिया अच्छी नजरिया मार गई अरे आपा हमीदा आप जीनत आपा के लिए कोई तोहफा नहीं लाई? लाई तो हूँ मगर कोई लेता ही नहीं। देखे भला क्या है? मेरा तोहफा दिखाने का नहीं सुनाने का है। अखा तो शेर क्या कर लाई है आप? तो इंतजार किस बात का है? बिस्मिल्लाह फरमाइए। अरे नजमी ईदन से कहो जरा चाय तो ले आए। अब किया है यूही जो आती रही मारा मार साल गिरा। मारा मार खूब बहुत खूब। ऐसा कोई साल आता ही नहीं कि सालगिरह नान मौजूद होती हूँ। अरे अब तुम इन्हें कुछ कहने भी दोगी? हाँ हाँ फरमाइए। यूही जो आती रही मारा मार साल गिरा तो एक रोज कराएगी हार साल गिरा। हाँ बाबा हार क्यों कराएगी सालगिरह? अभी आपकी समझ में आया जाता है घबराती क्यों हो? अर्ज किया है हमें तो शौक तेरा सेहरा देखने का है। बाबा बाबा क्या कहने हैं? ये कही ना सबके दिल की बात। हमारे दिल की क्यों? अपने दिल की कही होगी। हमें तो शौक तेरा सेहरा देखने का है
और मनाए जाती है तू बार बार साल गिरा। कहिए भाईजान, आज तो खूब चहल कदमी हो रही है। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने देखकर आया हूँ कि क्या बताऊं, मगर बस कल सुबह ही तुम्हें लाकर दूंगा। ये बात तो ठीक है भाईजान, लेकिन आज मुश्किल है। क्यों? मेहमान सहेलियां आई हुई हैं, उन सब में से उठकर जीनत आपा क्यों कर आ सकती है? तुम कोशिश करो तो सब कुछ पता है। हाँ, अगर हम कोशिश करें तो, मगर हमारी कोशिश की फीस लगती है। भाई, हमने जरा बेतकल्लुफी की बात कही है। अर्ज करती हूँ, क्या सालगिरह जब यहाँ अनवर ही नहीं है। क्या सालगिरह जब यहाँ अनवर ही नहीं है, खुश कैसे बंदरिया हो के बंदर ही नहीं है। बंदरिया कहीं आपका तखल्लुस तो नहीं? मैं अभी आती हूँ। ओए अल्लाह, मैं तो डर गई। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? घड़ी से पूछो तो चंद मिनट कहेगी, और मेरे दिल से पूछो तो कई बरस कहेगा। क्या है ये? आहा, ताजमहल। जीनत, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई इससे बेहतर तोहफा न सोच सकती थी। आशिक की आंख से टपका हुआ ये आंसू, जिसमें उसकी रूह की ज्वाला आज तक जगमगा रही है। शाहजहां की मोहब्बत का ये फिरदौसी ख्वाब, जिसे मरमर के सफेद पत्थर ने हमेशा के लिए जिंदगी बख्श दी। जैसे एक पाकीज़ा मस्जिद, जहाँ सिर्फ मोहब्बत करने वाली रूहें अपनी नमाज अदा करती है। जीनत, मैं मोहब्बत की इस जगमगाती हुई यादगार के सामने तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूँगा। शाहजहाँ और मुमताज महल की रूहें शायद इस वक्त हमारी मोहब्बत को आसमान पर बरकत बख्श रही है। उनकी रूह हमारी जुदाई की घड़ियां खत्म हो जाने की दुआ करेगी, और उनकी लाजवाब मोहब्बत हमारी मोहब्बत को रोशनी दिखाएगी। अरे भाई, को है यहाँ? बड़ी बात होनी हो गई। ये कौन? अमजद मियां घर में है? अरे नजमी! अरे दादा जी! अब्बा मियां! अरे बासुन, बासुन, ये मिठाई तो लेती जा, बड़ी शर्मीली लड़की है। अब्बा जान, अब्बा जान, लखनऊ वाले रामसन दादा आए हैं। ओहो, कौन, चाचा जी? हाँ हाँ। अरे ओम परमात्मा! कौन चाचा जी, आदाब बजा लाता हूं। जीते रहो बेटा, अच्छी तरह से तो हो? आपकी दुआ से। अरे ये नजमी तो अब काफी बड़ी हो गई। और बड़ी शरीर भी। तशरीफ रखिए। मगर चाचा जी, ना कोई तार ना खत पत्र, और ऐसे ही अकाया? मैं असल में अपने एक दोस्त के साथ शादी में शरीक होने मेरठ जा रहा हूँ। मुझे दिल्ली में तुमसे काम था जी, और मेरे दोस्त को बाजार से कुछ चीजें भी खरीदनी थी, इसलिए आज के दिन हम सब दिल्ली ठहर गए। ले 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 बिटिया, ले लो ले लो, ले लो, शर्माओ नहीं, ले लो। हाँ, मगर चाचा जी,
आपके दोस्त हैं कहां? सब होटल में हैं। होटल में? मेरे यहां क्यों ना उतारा उन्हें? असल में उन दोस्त के साथ उनकी बेटी भी थी, बेटी को साथ लेकर कहीं मेहमान बनना उन्हें पसंद ना आया। इधर मेरा उनका लखनऊ से साथ था, इसलिए सब इकट्ठे होटल में उतर गए। हो। हाँ तो अमजद मियां, काम तुमसे सिर्फ इतना है कि जिस तरह भी बने एक गरीब शख्स को अपने यहां नौकर रख लो। गरीब शख्स को नौकर? किस काम पर चाचा जी? जिस काम पर जी चाहे। शरीफ खानदान का बूढ़ा शख्स है, इस वक्त उसे सर छुपाने को ठिकाना नसीब नहीं। मोहब्बत से रखोगे तो तुम्हारे ही दरवाजे पर जिंदगी के दिन पूरे कर डालेगा। अखा दादाजी, आदाब बजा लाता हूँ। अनवर मियां, जीते रहो बेटा, अच्छी तरह से तो हो। मेहरबानी आपकी, आप कब तशरीफ लाए? अभी आना हुआ, बैठो बैठो। आदाब बजा लाती हूँ। ओहो जीनत भी आ गई, जीती रहो बेटी, आओ आओ, शर्माओ नहीं शर्माओ नहीं। आओ आओ बेटी, शर्माओ नहीं, आओ यहाँ बैठ जाओ। अच्छी तरह से तो हो, दुआ है आपकी। हाँ तो चाचा जी, जिस शख्स को आप नौकर रखाना चाहते हैं वो माली का काम तो शायद ना जानता हो। पूछ ना लिया जाए उससे। आप उसे साथ लाए हैं? हाँ हाँ। अनवर मियां, जरा तुम ही तकलीफ करना, बाहर एक बूढ़ा शख्स बैठा है, उसे अपने साथ अंदर ले आओ। बेटी जीनत, तुम अंदर चली जाओ। बैठो बेटी बैठो। अरे वो बूढ़ा शख्स है, जीनत तो उसकी पोती के बराबर है, उससे क्या पर्दा। इन्हें अंदर ले आऊं? हाँ हाँ चले आओ अंदर। आ जाओ बड़े मियां। सलाम हुजूर। हाँ चलिए आओ। बड़े मियां, तुम माली का काम जानते हो? फूलों और तरकारियों दोनों का काम जानता हूँ हुजूर। कहीं पहले कर चुके हो ये काम? बरसों। किस जगह? जहां नसीब ले गए। यही तो जानना चाहता हूं कि नसीब कहां ले गए। कोई ऐसी जगह न थी जिसका नाम फख्र से लिया जा सके। कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? अमजद मियां, तुम्हें इनको सर्टिफिकेट देखकर नहीं, सिर्फ मेरी सिफारिश पर नौकर रखना। चाचा जी, नौकर तो ये रखे जा चुके, मैं तो यूं ही चंद बातें कर रहा। तुम मेरे ख्याल में इनके ठहरने का बंदोबस्त कर दो। हाँ अनवर, तुम जाओ और इन बड़े मियां को शागिर्द कृष्ण माली का क्वार्टर दे दो। मेरा रोया रोया हुजूर को दुआएं देगा। हुजूर ने एक ऐसे बेकत का हाथ थामा है जो दुनिया में किसी को अपना कहकर पुकारने का हक न रखता है। अब इस घर को अपना घर समझकर उम्र यहीं बसर कर दे। शरीफ शख्स जिस घर में नौकरी करता है वहां से आप नहीं निकला करता, उसका जनाजा निकला करता है। बेचारा किसी अच्छे खानदान से मालूम होता है। इसका खानदान तुम्हारे खानदान से कमतर करार नहीं दिया जा सकता। इसका कोई अजीज रिश्तेदार नहीं? बस अब अगर इसका दुनिया में कोई है तो सिर्फ एक तुम हो। बेटी, अभी तक चाचा जी के लिए कोई पान नहीं लाया, जाओ जल्दी पान भिजवाओ। बड़े मियां, यह है तुम्हारी कोठरी, आम जरूरत की सब चीजें इसमें मौजूद हैं। किसी खास चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना, उसका इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अल्लाह खुश रखे आपको मियां, आपने मुझसे दो मीठी बातें कर ली, मुझे सब कुछ मिल गया। अगर बातों ही से सब कुछ मिल सकता है तो उसका इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी छोटी बहन इतनी बातूनी है
कि कान खा जाएगी तुम्हारे। खालाजान कहती है आप अगर ठहरे होटल में हैं तो खाना अपने दोस्तों समेत यहीं खाना होगा। हाँ चाचा जी, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें मेरी तरफ से कह दो बेटी, मेरे दोस्तों को मेरठ पहुँचने की बहुत जल्दी है, खाने के लिए यहाँ आने का वक्त ना मिल सकेगा। तो उन्हें जाने दीजिए ना, आप कल चले जाइएगा। नहीं बिटिया, मुझे आज ही जाना होगा। लीजिए, पहले आप। पहले आप? हाँ पहले आप। अजी नहीं, पहले आप। अच्छा तुम अब मुझे जाने दो। बड़े अफसोस की बात है चाचा कि आप अभी आए और अभी चल दिए। मजबूरी है बेटा, मैं फिर आऊंगा। हाँ तू अमजद में आ, खास तौर पर ख्याल रहे उस बूढ़े शख्स का। आप इत्मीनान रखिए, मेरे यहाँ उन्हें किसी बात की तकलीफ ना होने पाएगी। अच्छा दादाजी, अम्मी जान कहती हैं खाने के लिए यहाँ आने का वक्त नहीं तो खाना होटल में भिजवा दिया जाएगा। अरे भाई कोई मौका भी हो इस तकल्लुफ का। तकल्लुफ की क्या बात है, खाना वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा भाई, उन्हीं की खुशी सही, लेकिन खाना जरा जल्दी पहुंच जाए क्योंकि मेरे दोस्त चाहते हैं कि काम से फरागत पाने के बाद जो पहली ट्रेन मिले उससे मेरठ रवाना हो जाए। बहुत अच्छा, आप फिक्र ना कीजिए। जाग ना मांगो, जाग ना मांगो। तुम्हारा तरफ क्या देखता है? हजूर ने आवाज दिया था ना। हम कितना बार तुमसे बोला कि हमारा तरफ कभी मत देखो। कम से कम इंग्लिस्तान का कोई बटर अपना मालिक की तरफ नहीं देखता, हमेशा नजर नीचा रखता है। नीचा? सीख जाऊंगा हजूर। कब सीख जाएगा? 2 महीना हो गया हमने तुमको घसीटा से अगस्टस बना दिया, तुम अब तक कुछ नहीं सीखा। हजूर जब मेरे कपड़े आ जाएंगे तो मैं सीख जाऊंगा। नो 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 नो, कपड़ा का क्या बात, अपना दिल अंग्रेजी बनाओ। दिल फिर हमको देखता है? नजर नीचा रखो, नीचा। साहब आपकी चिट्ठी आया। ओ यू बाहर रखो। चा ये
वाला है कोई लेने वाला, बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो मेरे मन का, हाँ मेरे मन का पंछी क्या बोले, बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो। लाही है दिल भोला भाला, लाही है दिल भोला भाला, ले जाए कोई लेने वाला है कोई लेने वाला है कोई लेने वाला। दिल को देकर दिल लेंगे हम, दिल को देकर दिल लेंगे हम, जो सौदा कर ले सो ले है कोई लेने वाला है कोई लेने वाला, बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो मेरे मन का, हाँ मेरे मन का पंछी क्या बोले, बोलो बोलो हाँ हाँ बोलो बोलो। मैनेजर से एक बार फिर कह देना कि हमें उस कमरे में सख्त तकलीफ है, हमें डबल कमरा चाहिए। देखो 8 बजे फिर कार चाहिए। क्या करता है? उस तरफ देखो, उधर क्या देखता है? उतर उतर। ए चुप, इधर नजर, इधर मलो। अरे ये दरवाजा कैसे बंद कर दिया? सारा निशान, अरे कोई है? दीजिएगा कौन सा दरवाजा? मेरे को उठाने का, कमरा नंबर 5 में। जितने ही है कहाँ है आप? आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ, नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। तो अब आप मुझे कपड़े बदलने थे? श्योरली श्योरली, जरूर बदलिए। मेरा मतलब है यानी कि आप अपना शीत ले जा सकते हैं। कम अज कम इंग्लिस्तान में ऐसी दिलचस्प मुलाकातें इस कदर जल्द खत्म नहीं हो जाती। आप इंग्लिस्तान हुए हैं? हाँ, गया जरूर था मगर आया नहीं। क्या मतलब? मतलब यही कि मेरा जिस्म यहाँ है मगर मेरी रूह वहीं है। मैं आपसे अपना इंट्रोड्यूस खुद कराऊं। मेरा नाम मिस्टर आईबॉल, मैं
आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मेरा नाम नरगिस है। एक्ट्रेस जिनके यहाँ आने की खबर कई रोज से अखबारों में निकल रही है? जी हाँ, वही। भाई जो एक्ट्रेस हैं आप। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी आवाजों ने बगैर ड्रेस की आपको मेरे कमरे में आने पर मजबूर कर दिया। ओह नो नो, माफी की क्या बात, कम से कम इंग्लिस्तान में लड़के लड़कियों का बगैर ड्रेस किए मिलना अब बुरा नहीं समझा जाता। ऑलराइट, मैं ड्रेस करने के बाद अभी आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आपके साथी अभी अभी स्टेशन चले गए और वो आपके लिए ये पैगाम छोड़ गए हैं कि हमने अपने तमाम काम खत्म कर लिए और इसी गाड़ी पर वापस मेरठ जा रहे हैं और आप शाम की गाड़ी से वापस आ जाइए। उन्हें गए कितनी देर हुई? वो अभी मुश्किल से स्टेशन तक ही पहुंचे होंगे। अच्छा, तो हम इसी वक्त जाते हैं, उन्हें स्टेशन पर जा मिलेंगे। जी हा? शुक्रिया। बॉय बॉय। डीजे साहब, आपका काम बन गया, आप इन साहब का कमरा ले सकते हैं, वो भी डबल कमरा है। थैंक यू। फरमाइए। मुझे एक कमरा चाहिए। लेकिन लाला जी, मेरे पास तो सिंगल कमरा खाली है। मुझे भी तो सिंगल ही चाहिए। बहुत अच्छा, ए चौधरी साहब को कमरा नंबर 5 में ले जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, ये भी जाओ, ये जाओ, चलो चलो। अरे जल्दी करो ना भाई। अरे देखो ये तो भूले जा रहे हो बाबा, ये लो ना, चलो चलो। देखो भूल गया। देखो इस रूम में हमारा सामान लाओ, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा साहब। बड़े मियां तैयार हो? नाश्ता दान ले आए? जी हाँ हुजूर। तो ठीक मालूम होते हो। अच्छा तो बैठ जाओ। अनवर, बड़े मियां को साथ ले लिया, अच्छा किया। बड़े मियां, तुम्हें तो पता मालूम है। जी हाँ हुजूर, होटल की दूसरी मंजिल में कमरा नंबर 10। चलो भाई चलो, शाबाश है, चलो जल्दी करो, शाबाश शाबाश, जल्दी करो, चलो शाबाश है। अरे सब सामान यही रखोगे कि उस कमरे में भी ले जाओ? सामान ठीक करो, चलो चलो सामान ठीक करो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो भाई चलो। अच्छी बात, मैं खाना भिजवा देता हूँ, आप खा लीजिए। और जिस थिएटर में आपका नाच है मैं उसके मैनेजर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आइए मियां, आइए, घबराइए नहीं, आइए। बड़े मियां, नाश्ता दान यहां रख दो और तुम बाहर ठहरो। बहुत अच्छा। अकल मांगता है, अकल मांगता है। यू इडियट, छींकता, हमारा काम बिगाड़ना मांगता, बदतमीज।
अच्छा ये भी मेरा कसूर है। फिर ऊपर देखता है, नजर नीचा रखो, जब हम बाहर जाए छींक नहीं मांगता। ए, 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 क्या करता है? अब काम बन जाएगा हजूर। यही छेड़ा करते हैं। हाँ? हाँ? तो आई एम सॉरी का बच्चा। अभी इस कमरा में मिस नरगिस का बच्चा चोर उठाई गिरा। मारो उसको। ये देखो कमरे में कौन घुसा। मारो उसको। ये देखो कमरे में कौन घुसा। मारो उसको। उठाई गिरा। कम से कम हिंदुस्तान में तुम मेरी हिंदुस्तान का बच्चा तुम मेरी बहन मैडम जाने दो ना। गस्टस। यस सर। तुम यहाँ क्या करता? बेफिक्र रहिए हजूर, हमारा नजर नीचे था। फिर हमको देखता है, भाग जाओ, तुम्हारा कमरा से बाहर कोई काम नहीं। फिर देखते हैं हमको, भाग जाओ। यस सर। खाना लेकर आप आए हैं? जी हाँ। मगर आप क्या खाना नाश्तादानों में लाया जाता है? जी क्या किया जाता, डर था कि प्लेटों में से गिर पड़ेगा। गिर पड़ेगा क्यों? क्या जान नहीं आपकी नौकरों के हाथों में? और नाश्तादान में हाथ डाल डाल कर खाने से तकलीफ जो होगी मुझे? जी नहीं, ऊपर के खाने में प्लेटें भी मौजूद हैं। बड़ा अनोखा दस्तूर है आपके यहाँ का। मगर खाना रखने की ये जगह है, यहाँ रखिए। मैं निकाले देता हूं। मगर आप अकेले खाएंगी खाना? हाँ, मेरे साथी एक जरूरी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। अरे खाना नहीं खाएंगे वो? वो जाने उनका काम, मुझसे कह गए थे कि मैं खा लूं। बड़ा अफसोस है। अफसोस? अफसोस की क्या बात हुई? अगर आप खाना ज्यादा ले आए हो तो जाकर कम करवा लाइए। ये बात नहीं, आप खाना खाइए। तो अब आप मेरे सर पर सवार रहिएगा। माफी चाहता हूं। क्या मतलब? गोया मुझे ये कबाब किस चीज के हैं? आलू के। ये सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। इसके लिए मोती और नया गोटा भी चाहिए और वैसलीन भी फिनिश हो गया और इसके लिए नया कपड़ा भी चाहिए। लिस्ट लाई हो? पेंसिल? अच्छा तुम जा सकती हो। मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम? जब मैं आपके होटल में उतरी उस वक्त आप अफीम के पिनक में थे। माफ कीजिएगा, मैं होटल वालों में से नहीं हूँ। नहीं है तो आप मेरे कमरे में खाना लेकर क्यों आए? आज सुबह इस कमरे में मेरे एक दोस्त आकर उतरे थे, ये खाना मैं उनके लिए अपने घर से लाया हूँ। माफ कीजिएगा, मैं आपको होटल का मैनेजर समझ रही थी। और मैं आपको रामशरण जी के दोस्त की बेटी समझ रहा था। तौबा तौबा।
ए बुढ़ा, मिस नरगिस है अंदर। कौन मिस नरगिस? एक्ट्रेस, हमारा दोस्त। हम उनसे मिलना मांगता, हमारा उनका अपॉइंटमेंट। ना कोई एक्ट्रेस नहीं, इस कमरे में रामशरण जी ठहरे हुए हैं। नो, इस कमरा में मिस नरगिस रहता। हम उनसे मिलना मांगता, होटल का बाय बोलता। अभी अभी कमरा बदला, तुम अंदर जाकर हमारा खबर करना मांगो। तुम हमको नहीं रोक सकता। खबरदार जिस दरवाजे को हाथ लगाया। कम से कम इंग्लिस्तान में किस कदर खूबसूरत मुलाकात हुई है आपसे। ऐसे दिलचस्प इत्तेफाक जिंदगी में किसी किसी को नसीब होते हैं। अरे बड़े मियां, अंदर आ जाओ। रामशरण जी हमारे आने से पहले ही चले गए। तुम बर्तन समेट लो। तो आप मेरे नाच में जरूर आइएगा ना। आपने इतनी ताकीद से बुलाया है तो क्यों कर मुमकिन है कि मैं ना आऊं। अच्छा तो अब इजाजत है। आदाब। आदाब, आइए। आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं खुद चला जाऊंगा। कोई बात नहीं। मिस नरगिस। आहा, मेरे गुस्ल खाने वाले दोस्त, आप तो कपड़े बदल कर बिल्कुल छैला बन गए। इसकी वजह सिर्फ ये है मिस नरगिस कि मेरे तमाम सूट इंग्लिस्तान के सिले हुए हैं। काश मुझे कोई मैनेजर आप ऐसा खुशपोश मिल सकता। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मगर मिस नरगिस, मैं पूछ सकता हूँ, ये यंग मैन जो अभी आपसे मिलकर गया, क्या आपको, मेरा मतलब है वो आपको, आप उन मुलाकाती से जलते हैं? नो, एक लड़की के दो मुलाकाती, कम से कम इंग्लिस्तान में आपस में नहीं जलते। लेकिन वो मेरे मुलाकाती नहीं, यूं ही गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। बैड लक। क्यों? अगर आपकी उसकी दोस्ती होती तो ये बात आपको जरूर फायदा पहुंचा सकती थी। मुझे फायदा पहुंचा सकती थी क्यों? कर इस तरह कि आपकी इसकी दोस्ती को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं एक मोटी रकम आपकी खिदमत में पेश करने को तैयार हो सकता था। आप किस लिए? ओ, मैं समझ गई। तो अगर आप इस काम के लिए ज्यादा रकम खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो मिस्टर राइबॉल दोस्ती अब पैदा होकर और ज्यादा बढ़ सकती है। रियली? आपको भरोसा है आप उसे इस तरह अपना बना सकते हैं कि उसे किसी दूसरी लड़की का ख्याल बिल्कुल न रहे? लेकिन ज्यादा मिठास ज्यादा गुड़ डालने से पैदा हुआ करती है। मिस नरगिस, मैं इस काम के लिए 500 रुपया आपको नजर करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 500? तो इस काम की कीमत आप क्या समझती हैं? 1000 से कम के लिए मैं इस काम में हाथ नहीं डाल सकती। 1000? ऐसे कामों की कीमत कम से कम इंग्लिस्तान में इतनी बहुत तलब नहीं की जाती। मेरी मेहनत और आपके फायदे का ख्याल रखते हुए ये रकम कुछ भी नहीं। वेरी वेल, तो लेडीज से बहस मैं एटिकेट के खिलाफ समझता हूँ। तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तो बंदा 500 देने को तैयार है? आई एम सॉरी, 1000, 1000, 1000। हाँ,
चुल्ली हो हम खेलेंगे, हो हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे, चौक सितारों से हिल मिल कर हो हम खेलेंगे, हो हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे। तुम चांद के घेर में छिपना, मैं याद में उनकी छिप जाऊं, तुम चांद के घेर में छिपना, मैं याद में उनकी छिप जाऊं, ढूंढे से हाथ न आऊं मैं, थक जाए तारों की टोली, थक जाए तारों की टोली, हाँ हम खेलेंगे, हाँ हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे, शौक सितारों से हिल मिल कर हाँ हम खेलेंगे, हाँ हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे। क्या इतराते हो उस चांद से, क्या इतराते हो जो मीठा बोल न बोल सके, जो मीठा बोल न बोल सके, तुम टूट टूट के आ जाओ, तुम टूट टूट के आ जाओ, सुन लो जो उनकी बोली, हाँ सुन लो जो उनकी बोली, हाँ हम खेलेंगे, हाँ हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे, शौक सितारों से हिल मिल कर, हाँ हम खेलेंगे, हाँ हम खेलेंगे, आँख मचोली खेलेंगे, हम आँख मचोली खेलेंगे। आँख मचोली तो खेलोगी, लेकिन जब किसी तारे के चोर बनने की बारी आई तो छिपोगी कहाँ? कह दीजिए, मेरे दिल की कोठरी खाली है, इसमें छिपकर बैठ रहना। हाँ मखा, कौन कहता है कि मेरे दिल की कोठरी खाली पड़ी है, इसमें तो एक चीज यूं ठुसा ठुस भर चुकी है जैसे किसी आरती के गोदाम में गल्ले के बोरे भरे हुए हों। ओहो, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या चीज भर ली गई दिल में? एक तुमसे भी अच्छी चीज। मसलन? तुम्हारी याद। मेरी याद? मेरी याद मुझसे अच्छी क्यों हो गई? इसलिए कि वो तुमसे बेवफा और संग दिल नहीं, मेरे दुख सुख की साथी, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त की दोस्त, गमगीन हूँ तो मुझे गुदगुदाती है, निराश हूँ तो मेरे लिए सुहाना सपना बन जाती। तो फिर मेरी याद के लिए आप मेरे एहसानमंद क्यों नहीं होते? एहसानमंद क्यों हूँ? जनाब ने अपनी याद मुझे खुद तो नहीं दी, बल्कि कटे हुए पतंग की तरह मैंने आप खुद लूटी है। ओहो, मेरी ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं। जनाब को इस बात का भी ख्याल है, अगर मैं चाहूँ तो अपनी याद को लूट कर या लड़कर आपके लिए ऐसा बना सकती हूँ जैसे किसी लड़ते हुए मुर्गे की याद हो। यकीन ना आया हो तो दिखाऊं तमाशा, करूं लड़ाई? अरे अरे ठहरो तो, और अगर भला मैं एहसानमंद हूँ तो? जब दूसरी बात है तब तो मैं अपनी याद को ज्यादा महकाने और रंगीन बनाने के लिए इस फूल से आपका काज भी सजा सकती हूँ। देखिए देखिए माली आ जाएगा, वो इस वक्त मेरे लिए फूलों के हार लेकर आया करता है। हार बना नहीं चुके माली? और अगर अंधेरे में सुई उंगली में चुक गई तो? नहीं दीदी, मुझे आदत है, एक मुन्ना सा हार आपके लिए भी बना रहा हूँ।
मेरे लिए मोतिया के फूलों का? तुम तो बड़े ही अच्छे हो माली, पिछला माली मुझे कभी फूल ना देता था। और ये आपके हाथ में क्या है? अम्मी जान आज खुद फुलकियाँ तल रही हैं। मैं उनसे पूछकर थोड़ी सी तुम्हारे लिए ले आई हूँ। जीती रहिए दीदी, आप तो मेरा इस कदर ख्याल रखती हैं, अगर मेरी अपनी पोती होती तो वो भी मेरा इस कदर ख्याल न रखती। तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है माली? बीवी मर चुकी है, बच्चा है। तो तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैं अब्बा जान से कह दूंगी कि उसे मेरे साथ खेलने को नौकर रख ले। दीदी वो तो बहुत बड़ा है, उसके तो बच्चे होंगे आपकी उम्र के। अरे इतना बड़ा लड़का तो करता क्या है वो? सुना है खाता पीता आदमी है, आराम की जिंदगी बसर करता है। आराम की जिंदगी? और तुमको आराम नहीं पहुंचाता इस बुढ़ापे में? हाँ बीबी कुछ ऐसी ही बात है। बड़ा बुरा है तुम्हारा बेटा। कोई आया है, ये हार आप लीजिए और ये अंदर पहुंचा दीजिए। शायद वो घर में नहीं है। वो देखो कोई आ गया, अब उसे अपने साथ थिएटर लाना तुम्हारा काम है, मैं चलता हूँ। चलियो चलियो। सलाम हुजूर, किससे मिलना है आपको? अनवर साहब है अंदर। आप क्या काम है आपको? तुम्हें से क्या, उन्हें अंदर जाकर खबर करो कि आई है। वो घर पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं? किस वक्त आएंगे? मालूम नहीं। गए कहाँ है? कहकर नहीं गए। कौन है माली? अरे आप, आप घर पर हैं? आपका ये नौकर बड़ा झूठा है, कहता था आप घर पर मौजूद नहीं है। मैं अभी आया था, इसे मालूम ना हुआ होगा। मगर आप यहाँ क्यों कर पहुँच गई? कमाल किया ना, आपके घर का सुराग निकाल लिया। मैं आपको थिएटर ले जाने आई हूँ। इसी वक्त? उधर कोई ना सुना जाएगा, आपको मेरे नाच में अभी मेरे साथ चलना होगा। अच्छा तो मैं घर में इत्तला दे दूँ? वक्त नहीं है, इतला नौकर दे देगा। अच्छा अच्छा, ए मालिक अंदर खबर देना कि मैं एक दोस्त के साथ नाच देखने थिएटर चला गया हूँ। अच्छा अच्छा बैठ। मोरे सर पे सोहे है मटकी, तुम रानी
रानी हो इस पन घट के, तुम रानी हो इस पन घट के, अब करा किसी पैबार, अब करा किसी पैबार, सती हिल मिल के चलो पानिया भरन को चले, चलो पनिया भरन को चले, सखी हिल मिल के चलो पानिया। मैं हैरान रह गया हूँ, मैंने हुस्न को इतना दिलरुबा कभी ना देखा था। सचमुच जब तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। यकीन कीजिए मेरे दिल में तमाम तमाशाइयों की तालियों से ज्यादा एक आपकी तारीफ की कद्र है। आप मुझे बनाने लगी मिस नरगिस? मैं वही कह रही हूँ जो मेरा दिल मुझसे कहलवा रहा है। आपका कमाल मुझे अपनी तवज्जो के काबिल समझ सकता है, लेकिन आपकी बेपरवाही शायद मुझे अपनी तवज्जो के काबिल नहीं समझ सकती। ये आप क्या फरमा रही हैं मिस नरगिस? अगर मेरा ख्याल गलत होता तो पहली मुलाकात के बाद आप मुझसे मिलने के लिए दोबारा होटल में ना आते। मैं अपने नसीबे पर नाज करूंगा अगर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मिल सके। इजाजत? आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपका सुबह से शाम तक इंतजार किया करूंगी। Thank you.
देखिए वादा ना भूल जाए। मैं इंतजार की घड़ियां गिन गिन कर गुजारूंगी। मुझे हर वो दिन सूना और वीरान मालूम होगा जिसमें आपकी मुलाकात मुयस्सर ना आ सकेगी। अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अनवर मियां। क्यों माली, क्या बात है? बेटा, एक बूढ़े की बात का बुरा न माने तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। तजुर्बे ने मुझे बताया है कि एक नौजवान की जिंदगी में सबसे खतरनाक वक्त वो होता है कि एक हसीन औरत उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसे चाहती है। क्या मतलब? मियां, ये एक्ट्रेस जिसे आप होटल में मिले हैं वो आप पर बहुत जल्द और बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई है। तब तो मुझे उसका मशकूर होना चाहिए। मगर साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि इन औरतों की मुस्कुराहट ने कई घरों को तबाह कर दिया है। अरे नहीं बड़े मियां, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने बुरे भले को खूब समझता हूँ। जीनत, अभी तक जाग रही हो? मैं आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी। क्या कहूँ, गुमान तक न था कि इतनी देर हो जाएगी। हजार चाहा कि पीछा छुड़ाकर भाग आऊं, मगर आता तो जब अगर कोई उठने देता। गए कहाँ थे आप? मैं एक दोस्त के यहाँ चला गया था। क्या नाम है उनका? अरे वही ना, वो अपने अल्ताफ हुसैन। उन्होंने मुझे खाने पर बुला रखा था, मुझे तो बिल्कुल याद न था, मगर मेरी भूल चूक की आदत का ख्याल करके बेचारे खुद ही लेने को आ गए। वो जो उस वक्त हॉर्न सुनाई दिया था ना, वो उन्हीं की कार का था। बस जैसे खड़ा था वैसे ही को बिठा कर ले गए। अच्छा वक्त गुजरा। निहायत अच्छा, मिक्स डिनर था, कई औरतें भी मौजूद थी, मगर सबकी सब शरीफ घरानों की, अदब आदाब और तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ। लेकिन जीनत, उनमें से एक लड़की, उफ क्या चीज थी, चांद का टुकड़ा, बबूका, और तमाम वक्त मेरे ही गिर्द रही। इस तरह कि अगर कोई दूर से देखता तो समझता मुझ पर डोरे डाल रही है। तुम बूझ सकती हो कि मैंने तमाम वक्त तुमसे क्या बातें की? सिर्फ तुम्हारी। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का, मैंने इस ख्याल से थोड़े ही कहा था, तुम्हारी दिलचस्पी के ख्याल से यूं ही एक बात बयान कर दी। लेकिन ज्यादा देर नहीं हो गई अब? और फिर ये डर भी तो है, कहीं अम्मी जान की आंख ना खुल जाए। कमरे में रोशनी देखकर कहीं इधर आ गई और इकट्ठे देख लिया तो शामत ही आ जाएगी। तुम जाओ ना, जाके सो रहो। नरगिस, तुम्हारा बेटा कभी यहाँ आया मैं अब्बा जान से कहूंगी कि उस पर खूब खफा हूँ और उसे अच्छी तरह शर्मिंदा करें कि खुद तो मजे उड़ाता है और बूढ़े बाप से नौकरी कराता है। Well, what's this, नजमा? झाड़ू देना अशराफों का काम नहीं? कम से कम इंग्लिश पान के अशराफ झाड़ू नहीं देते,
है ना? नॉनसेंस। बाज़ औकात शरीफों को भी झाड़ू देनी पड़ जाती है। हम तुमसे बात करना नहीं मांगता। ओ, ये बुढ़ा माली है तुम्हारा? आई सी। कमे लाऊं नजमा, बच्चे रजीलों में नहीं उठते बैठते। आपने मुझे जलील इसलिए समझा कि मैं एक गरीब माली हूं? बात करने से पहले सलाम करना का तमीज होना मांगता है। जिन्हें सलाम कराने का शौक है उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि रसील की पहचान अदना काम नहीं अदना अखलाक है। युराशकल पुस्ताख, तुमको मालूम हम कौन? मालूम होता जा रहा है। हम साफ का रिश्तेदार, हम तुमको नौकरी से ला कराने सकता है। आप अंदर जाइए ना, अपनी साह बहादुरी यहाँ क्यों बघाने लगे? यू सिली गर्ल, मैं आंटी से जाकर अभी कहता हूँ कि तुम नौकरों में उठती बैठती हो। माली, इन साह बहादुर के कह का कुछ ख्याल ना करना, ये तो सरफिरे शख्स हैं। लो बस, अब उठो मेरे लिए खिलौना बना। माली, तुमने ये खिलौने बनाने सीखे कैसे? कैसे? जब मेरा बेटा आपकी उम्र का था बीबी, तो ऐसे ही खिलौने उसे भी बनाकर दिया करता था। उसी बेटे को जो अब खुद तो आराम से रहता है और तुम्हारी खबर तक नहीं लेता। हाँ, उसी के लिए। वो किस तरह मुझसे उछल उछल कर लिपट जाता और ठनक ठनक कर कहा करता था, छोटी सी ऐनक बना दीजिए हमारे लिए। मुझे फुर्सत न होती तो मुझसे रूठ कर अपनी माँ के पास चला जाता और उससे मेरी शिकायत किया करता। शायद मेरी ऐसी ही बेपरवाहियों ने उसके दिल में कभी मोहब्बत पैदा न होनी। तुम तो उदास हो गए माली। मैं तो सिर्फ एक बात समझना चाहता था। गुड आफ्टरनून अंकल। कुछ सुना आपने? इकबाल मियां क्या कह रहे हैं? देखिए अम्मी जान, देखिए बदन कितनी अच्छी है। आप किस सोच में पड़ गए अब्बा जान? कुछ नहीं, कभी बचपन में मैं भी अपने लिए ऐसी ही ऐनक बनवाया। मुझे तो इस ऐनक में कोई खास बात नजर नहीं आती। कम से कम इंग्लिस्तान में तो हर शख्स ऐसी ऐनक बना लेता होगा। ले चाय तो पी। अरे तेरे इस कान का बुंदा क्या हुआ? बुंदा नहीं है। एलो बस खो डाला ना, मैं कहती नहीं थी कि बच्ची बुंदे ना पहन ना पहन, मगर एक न सुनी। अब तो खोकर चैन आ गया, अब पहनोगी। पहन कर गई कहाँ कहाँ थी तू? कहीं भी नहीं, मैं तो बस माली ही के पास रही हूँ। नाउ यू सी, मैंने कहा था ना कि बच्चों का नौकरों में उठना बैठना ठीक नहीं होता। आई कैन बेट कि बुंदा चुराया गया है। किसने चुराया? उस बुढ़े माली ने। टू टेल यू द ट्रूथ, मैं जिस वक्त आया मैंने उसी वक्त ख्याल किया था कि माली की नजर बार बार नजमा के कानों पर पड़ रही है। सचमुच? खामखा भी नहीं अब्बा जान, इकबाल भाई तो पहले ही माली से चिड़े हुए हैं। वो उतारता तो पता ना चल जाता मुझे
ये तो यूं ही झूठ बोला करते हैं। चुप रहो, कितने कहेंगी, एक बैठे बिठाए इतना बहुत नुकसान कर दिया, अब ऊपर से बातें बनाने बैठी है। ए नजमी, जाओ बेटा तुम अपनी जीनत आपा के पास। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी बुंदा माली के पास से निकलवाए देता हूँ। मगर मालूम भी तो हो कि क्यों कर निकलवाओगे। ऐसी बातें कम अज कम हिंदुस्तान में नहीं पूछी जाती। आप तो हमेशा यही चाहते हैं कि नुकसान पर सब्र करके बैठ रहा जाए, पूछ गछ तक न की जाए। आप रहने दीजिए, इकबाल को तय कर ले दीजिए। देयर यू आर। तौबा है नजमी, तुम्हारे आंसू तो किसी तरह थमते ही नहीं, क्या होगा तुम्हें? बेकसूर को सब मिलकर सता रहे होंगे, पहले इस बेचारे का बेटा उसकी खबर नहीं लेता। अकल मारी गई है, खालू अब्बा खुद बाहर गए हैं, वो सताने देंगे भला? वेल, हो गया तलाश या किसी जगह और ढूंढना मांगता? नन्नी बीबी मेरे पास बाहर लान में रही या कोठरी में, बुंदा दोनों जगह नहीं। हम ये नहीं जानना मांगता कि बुंदा कहाँ नहीं, हम ये पूछना मांगता कि बुंदा कहाँ है। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ? अर्ज वर्ज का कोई जरूरत नहीं, बकवास बंद करो और बुंदा निकालो। आपका ख्याल है कि बुंदा मैंने चुरा रखा है? आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक शरीफ शख्स हूँ। हमें तुम पर पहला ही शक था, तुम कमीना और चोर है। क्या कहा, मैं कमीना हूँ या तू कमीना है? शट अप यू रास्कल, जबान संभाल कर बात करो। छोड़ दे मेरा हाथ। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। ए, ये क्या हो रहा है? देखिए अंकल, ये बुढ़ा चोर मुझे कमीना कहता है। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगाए वो कमीना नहीं तो और क्या है? गुस्ताख चोरी और सीना चोरी। पुलिस को बुलाओ। हाँ हाँ पुलिस, वरना बुंदा निकालो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच अर्ज करता हूँ कि बुंदा मैंने नहीं चुराया, मेरी बेकसी और आजिजी की खातिर नहीं, तो अपने बूढ़े बाप के सफेद बालों को याद करके मुझे पुलिस के हाथों जलील न कराओ। पुलिस को बुलाओ। ठहरो। वेल, बुंदा मैंने ही चुराया है, तो जाओ लेकर आओ। देखा अंकिल, मैंने कहा था ना कि बुंदा इसी के पास है। के बचे हुए रुपए जो मैंने अपने कफन के लिए बचा रखे थे, लेकिन इस बेआबरू जिस्म को कफन से ढांपना भी बेसूद है। देखिए अंकल, ये बुंदे की बजाय उसकी कीमत देकर इल्जाम से बचना चाहता है। तुम समझता रुपया हम नहीं लेगा? अब्बा जान, बुंदा मिल गया। बुंदा? बुंदा कहाँ से? नीना तापा के कमरे से। ये कोई दूसरा बुंदा होगा। एक बार रुपया वापस कर दो। माली, क्या हुआ माली, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी नन्नी बीबी, आज तुमने इन सफेद बालों को रुसवाई से बचा लिया। क्या हुआ बाहर? एक बेकसूर बूढ़ा सबके सामने रुसवा कर दिया गया, और क्या हुआ? तो फिर कुछ अफसोस भी जहर कर दिया आपने। बेइज्जती के घाव पर कौन सा लफ्ज मरहम का काम कर सकता है? खुदा के लिए जाकर उससे दो बातें कराइए, उस बेगुनाह का सब्र
कहीं मेरे बच्चों पर न पड़ जाए। मुझे उसे नजरें चार करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ये क्या कर रहे हो माली? ये कपड़े क्यों इकट्ठे कर रहे हो? मेरी किस्मत में ठोकरे खाना बाकी है। माली माली तुम जा रहे हो? तुम नहीं जा सकते माली। नहीं माली तुम ना जाओ। मेरी नन्ही दीदी, अब मैं इस घर में मुंह दिखाने के काबिल बना। अब मैं इस घर में न रहूंगा। माली 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 अब्बा जान कहाँ गए? अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अब्बा जान कहाँ गए? तो मैं है। अरे सुनो तो लक्ष्मी, अब्बा जान। क्या हुआ लक्ष्मी? माली जा रहा है। माली जा रहा है? वो है चला भी गया हूँ, उसका दिल टूट गया है। अब्बा जान उसे रोकिए, जाइए वापस ले आइए। माली तुम नहीं जा सकते। तुम जब इस घर में आए थे तो तुमने कहा था कि शरीफ आदमी जिस घर में नौकरी करता है वो वहां से खुद नहीं निकलता, उसका जनाजा निकला करता है। निकल चुका हुजूर, मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका। अब ये बेइज्जत ढांचा इस घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी खातर नहीं तो इस नन्ही बच्ची की खातर माफ कर दो। औलाद तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की भी होगी, उसका ख्याल करती इस मासूम के नन्हे दिल को दुख ना पहुंचाओ। मान जाओ माली, तुम ना जाओ। न जाऊं? मेरी नन्ही दीदी, इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसकी आंखों में बूढ़े बदनसीब की मोहब्बत आंसू ला सकती है। मैं न जाऊंगा, आज से तुम्हें को अपनी पोती समझूंगा। मरो हसो हसो। कलियों ने मुंह खोले, देखो आहा हा 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 कलियों ने।
कहाँ है बेटी? वो देखिए भजन, वो कहाँ? वो बादल के टुकड़े के साथ वो। ओ अच्छा अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंदा, अब तो जिंदगी की शाम हो चुकी है। मेरा चांद कहाँ खो गया? तेरा करम इन धुंधली आंखों के लिए कहाँ सो लिया? रहम रब्बुल आलमीन, रहम कर इस कमर पर जो उम्र के बोझ से थक चुकी है, इस दिल पर जो गम के नश्तरों से छलनी हो चुका है। मुझे मेरे बेटे से मिला दे, एक बार, सिर्फ एक बार दूर ही से उसकी सूरत मुझे दिखा दे। आमीन। जीनत आपा, चांद निकल आया, चलो उठो देखे, उठो भी। नहीं, मैं नहीं देखूंगी चांद। तुम उदास क्यों हो? चलो उठो चांद देखे, उठो भी। अरे चलो। मोरे राजा पीले पीले, दोजख से न डर न डर। मोरे राजा हो, मोरे राजा पीले पीले, मोरे राजा पीले पीले। अंगूर में रहती थी, अंगूर में रहती थी, हाँ बिल्लौर में रहती है वो मोरे राजा, बिल्लौर में रहती है और कांच की चिलमन से वो मोरे सैया यूं जाके कहती है, और कांच की चिलमन से वो मोरे सैया यूं जाके कहती है। पीने का जमाना है इनकार न कर, मोरे राजा हो, मोरे राजा पीले पीले, मोरे राजा पीले पीले, दोजख से न डर न डर। मोरे राजा हो, मोरे राजा पीले पीले। पुर नूर अफसाना है, पुर नूर अफसाना है, हाँ पुर कैफ कहानी है ओ मोरे राजा, पुर कैफ कहानी है। बुत के बुढ़ापे में, हाँ हाँ इस बुत के बुढ़ापे में ओ मोरे सैया सैया रे पोशीदा जवानी है। बुत के बुढ़ापे में, हाँ हाँ इस बुत के बुढ़ापे में ओ मोरे सैया सैया रे पोशीदा जवानी है। पीने का जमाना है
इनकार न कर मोर राजा हो मोर राजा पी ले मोरे राजा पी ले चांद है आजा तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा तारे हैं मेरे जख्म में जिगर हिंदू में समा जा तारे हैं मेरे जख्म में जिगर हिंदू में समा जा चांद है आजा दिल ढूंढ रहा है दिल ढूंढ रहा है कि मेरा चांद कहाँ है दिल क्या बात है जीनत आपा ने आपका क्या बिगाड़ा है कि ना आप उनसे बोलते हैं ना उनके कमरे में जाते हैं आज चांद रात भी आप उनसे मिलने नहीं आए तुम्हें इससे क्या आपको रहम नहीं आता उन पर वो दिन दिन भर आपका इंतजार करती रहती है ना कुछ खाती है ना पीती है रोती रहती है उनसे कह दो मेरा इंतजार ना किया करें मगर आप उन्हें मना क्यों नहीं लेते जाकर तुम चली जाओ यहाँ से मेरे पास मत आया करो ऐसी बातें आप पहले तो कभी नहीं किया करते थे मालूम नहीं अब आपको क्या हो गया है अब तुम जाती हो या थप्पड़ लगाऊं मैं नहीं जाऊंगी मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से जब तक आप जीनत आपा को मनाने नहीं जाएंगे मैं कभी नहीं जाऊंगी यहीं बैठी रहूंगी नहीं जाओगी बदतमीज कहीं की अनवर मियां अपनी छोटी बहन को मार रहे हैं नरो बच्ची नरो आपसे ये कहने को
ये आपकी जो बातें आपके घर के आदमी से छिपी हुई है, मुझे उनका रत्ती रत्ती हाल मालूम है। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपके दिन और रातें कहां और किसके साथ गुजर रही है। तुम चुप रहो। मैं अब तक चुप ही था, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि आप खुद समझ जाएं और अपना चाल चलन बदल दें। वरना क्या कर लेता? जो शायद अब करने पर मजबूर हो जाऊं। क्या कहा? अगर आप अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुल चुके हैं, तो आपका भेद आपके माँ बाप तक पहुँचाने में अब कोई ख्याल मुझे रोक नहीं सकता। दूर हो जा और जो जी चाहे कर ले, कोई धमकी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, समझे? चले जाओ यहाँ से, सुनते नहीं, जाओ। चलो माली चले। मैंने सब कुछ सुन लिया है और समझ भी लिया। मुझे पहले ही यकीन था। सब्र कीजिए बच्चे। ईद मुबारक। जीनत कहाँ है? अपने कमरे में कपड़े बदल रही है। मैंने कहा ये सिंगार आखिर कब तक होता रहेगा? आज ऐसी धज निकालना कि अनवर मियां देखकर कल की बजाय आज ही ब्याह पर तुल जाए। क्यों भाई, क्यामत लाने की ठान रखी है क्या? अरे बन्नो, निकलोगी बाहर या उधम चहन तुम्हारे दरवाजे पर? ठहरो, यूं खुल चुका दरवाजा, धकेलने से नहीं अपनी तरफ खींचने से खुल जा। सिम सिम बोगरी चिटकनी। कपड़े भी नहीं बदले? सही तो जीनत, तुमने कपड़े क्यों नहीं बदले, बताओ ना। मैं ना बदलूंगी कपड़े। आहा, वो क्यों? यूं ही। आपा, जीनत आपा, तुम सब बाहर ठहरे, मैं करती हूँ इन्हें तैयार। अनवर को एक एक्ट्रेस से मोहब्बत, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? हुजूर, मैं तो बताना ही ना चाहता था, मगर अब अनवर मियां उस एक्ट्रेस के पंजे में इस तरह गिरफ्तार हो चुके कि मैं खामोश न रह सका। यह किस्सा इस हद तक बढ़ चुका है, यही गम जीनत बीबी को घुन की तरह खाए जा रहा है। लेकिन तुमने मेरे बेटे की जिंदगी और मेरे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ते देखी और मुझे खबर तक देने की जरूरत न समझी। सिर्फ इस वजह से कि जब एक नौजवान किसी औरत की मोहब्बत में फंस जाए तो उस पर नसीहत कोई असर नहीं करती। लेकिन मैं अनवर का बाप हूँ, नसीहत करने के अलावा मैं उसे हुक्म देने का भी हक रखता हूँ। बेशक, मगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हुक्म देने की बजाय नरमी से काम लें। नरमी से? घर में आग लग चुकी है, शोले घर वालों के जिस्म को छू रहे हैं और तुम एहतियात से काम लेने को कह रहे हो। अनवर मियां आ गए। अनवर इधर आओ। तुम कहां रहते हो आजकल? जिस वक्त भी मैं तुम्हें पूछता हूं तुम घर से बाहर होते हो, और ईद के रोज तुमसे इतना भी ना हो सका कि आधा दिन गुजारने से पहले घर पहुंच जाओ। एक दोस्त के यहां चला गया था।
वहां कुछ देर हो गई। कौन है तुम्हारा ये नया दोस्त जिसके साथ सारा सारा दिन और आधी आधी रात बसर करके भी तुम्हारा जी नहीं भरता? आप उसे नहीं जानते। जो दोस्त तुम्हें अपने घर से, माँ बाप से, अपने अजीजों से बेपरवाह बना दे, मैं उसे जानना नहीं चाहता। लेकिन ये बहरहाल चाहता हूँ कि तुम्हारा ज्यादा वक्त घर पर सर्फ हो। मेरी उम्र के दूसरे नौजवान जितना वक्त घर से बाहर गुजारते हैं, मैं उससे ज्यादा नहीं गुजारता। दूसरों से मुझे कुछ सरोकार नहीं, तुमको मेरी इजाजत के बगैर आइंदा कहीं बाहर ना जाना होगा। मगर मैंने आज रात एक दोस्त को होटल में खाने पर बुला रखा है। बरस के बरस दिन ईद आती है और तुम ईद की रात घर से बाहर होटल में खाना खाना चाहते हो? मैं दावत दे चुका हूँ, इसलिए मजबूर हूँ। तुम्हारी ये फजूल खर्चियाँ रोकने के लिए मुझे तुम्हारा जेब खर्च बंद कर देना होगा। मुझे आज ही अपने अगले महीने के जेब खर्च की जरूरत है। वो तुम्हें हर किस में ही मिल सकता। आप चाहते हैं मैं एक दोस्त को खाने पर बुलाने के बाद रोकूं और उसकी और अपनी नजरों में जलील हूं? तुमने बुलाते वक्त मुझसे मशवरा ना किया था? बहुत अच्छा, अगर आपने मुझे एक दूध पीते बच्चे की तरह बेबस समझ रखा है तो आप गलती पर हैं। ये भी तो पता लगे कि तू चाहता क्या है। मुझे रुपए की सख्त जरूरत है। कितने रुपए? 50 रुपए। इतने बहुत? मैंने एक दोस्त को होटल में डिनर पर बुला रखा है। अच्छा, तो मैं अपने पास से दिए देती हूँ, जब जेब खर्च मिलते लौटा दीजिए। ठहरो, अनवर को रुपया नहीं मिल सकता। ये एक दोस्त को खाने पर बुला चुका है। रुपया तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमें ये नहीं बताएगा कि होटल में खाने पर किसको बुला रखा है। ये बताने में इसे क्या उजर हो सकता है? मैं बता चुका हूँ, मेरा एक अजीज दोस्त है। मैं तुम्हारे दोस्त का नाम मालूम करना चाहता हूँ। मुझे बताने से इनकार है। क्यों? ये किसी को हक नहीं कि मुझसे मेरे दोस्तों के बारे में सवाल करे। अगर माँ बाप को बेटे से सवाल करने का हक नहीं तो बेटे को भी माँ बाप से रुपया तलब करने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा, अगर आप इस बात पर तुल चुके हैं कि मुझे मेरे दोस्तों की नजरों में जलील करें तो आप अपने को उस वक्त के लिए तैयार कीजिए जब मैं आपको आपके दोस्तों की नजरों में गिराने पर आमादा होता हूं। अच्छा, तुम देख लिया अपने लाडले को? तुम क्यों आई यहां? कोई नश्तर बाकी रह गया था? जब होने के लिए तुम्हारा आना जरूरी था। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ। रुपए? ये क्या? किसी की दावत के लिए आपको। दूर हो जा मेरी नजरों। अपने वादे के मुताबिक अब 1000 रुपए का चेक लिखिए आप, अगर पूरे तौर पर मेरा हो चुका है। मिस नरगिस, आई डाउट वेरी मच। मैं देखता हूँ वो सिर्फ दिन का वक्त यहाँ गुजारता है। अगर आप ये चाहते हैं तो वो आपकी रात भी यहीं गुजारेगा। That's capital. लेकिन अगर कोई लड़का घर से दिन भर गायब रहे तो कम से कम हिंदुस्तान में यही समझा जाता है कि वो घर वालों के हाथों से निकल गया। तो मैं आज ही जाकर मालूम करता हूँ उसका दिन भर घर से गायब रहने का असर उसके घर वालों पर क्या पड़ रहा है। लड़के अंदर साहब आ रहे हैं। आई मस्ट बी ऑफ। अब मैं क्या करूं? बट कौन है? आने को तो खाने में चले जाओ। जल्दी जल्दी। ये मिस नरगिस, आप तैयार हैं? बल्कि बेकरार।
कि शायद आप आएंगे या ना आएंगे। कभी ऐसा हो सकता है, तो आइए चलें। चलिए। मुझे एक और जरूरी बात भी कहनी थी आपको। इकबाल मियां, चुप क्यों हो गए? कुछ कहो भी। क्या कहूं आंटी, मुझे तो अनवर की हालत पर बड़ा अफसोस होता है, और साथ ही बिचारी जीनत पर, जाने उसका क्या होगा। ये सब देखते हुए भी अगर आप जीनत को अनवर के हाथों सौंपना चाहें तो आप खुद समझदार हैं। वैसे तो मैं भी इंग्लैंड रिटर्न हूं, नौजवान हूं, खूबसूरत हूं, आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, मैं सब समझती हूं, मगर इस बात का फैसला खुद जीनत को करना होगा। लेकिन अगर आपने अनवर की बातें जीनत से छिपाई और मेरा जिक्र उनसे ना किया तो? जीनत मुझे अपनी नजमी की तरह अजीज है, तुम इत्मीनान रखो, मैं आंखों देखते उसे कुएं में नहीं धकेल सकती। तो आप मेरे बारे में जीनत से बातें कर लीजिए, कल उनका और आपका फैसला मालूम करने हाजिर हूंगा। ठहरे हो। मैं अपना फैसला इसी वक्त सुनाने को तैयार हूँ। गुड इवनिंग माय डियर कजन। तुमने जो कुछ अनवर के और अपने मुतालिक कहा, मैंने उसका एक एक लफ्ज सुन लिया है। देन आई एम श्योर कि तुम इसी वक्त मुझे ये मौका बख्शोगी कि मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूं। मेरी तबीयत का तुमने बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया है। मुझे अनवर से मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। बट अनवर जिस तरह यकायक बदल गया, उसे देखते हुए भी। महबूब के बदल जाने से मोहब्बत करने वाले का दिल नहीं बदल जाता। कम से कम इंग्लिस्तान की लड़कियां ऐसी नॉनसेंस बातें नहीं करती। लेकिन हिंदुस्तानी लड़की सिर्फ एक ही बार मोहब्बत करती है, और मोहब्बत में जल जल कर मर जाने को अपनी मोहब्बत की जिंदगी समझती है। नरगिस, आज की रात तुम्हारी खूबसूरत आंखों की मस्ती मुझे ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया को मस्त कर रही है। ये तुम्हारी मोहब्बत का नशा है जो मेरी आंखों से जाहिर हो रहा है। तो अपनी मोहब्बत का खजाना मुझे हमेशा के लिए दे डालो, मुझसे शादी करके मेरी हो जाओ। फिर वही बातें, आप तो बहुत जल्द घबरा जाते हैं। जल्दी चलिए, पिक्चर शुरू हो गई होगी।
अगर सुने कोई हमें जिगर सुने कोई गाना नहीं पुकार है मेरे लिए जहान में चैन बना करार है दिल में है बेकरारियां दिल में है बेकरारियां आंखों में इंतजार है यहाँ उठा लाए और हमें भी रात भर परेशान किया आपको चाहिए था टक्कर हो जाने के बाद से वही घर छोड़ आते लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये एक रात यहाँ भी बसर करे क्यों इससे आपको क्या फायदा हो सकता है अरे तुम तो हो बिना मिस्टर आईपॉड ने वादा किया था कि अगर ये एक रात यहीं बसर करे तो वो 1000 रुपये अदा कर देगा अब मैं उससे 1000 रुपये वसूल करने की हकदार बन गई हूँ कौन मिस नरगिस तुम ही हो जी हाँ आप कौन हैं मेरा बेटा अनवर कहाँ है आपने उन्हें मेरे सपुर्द कर रखा है जो मुझसे पूछ रहे हैं वो पिछली सारी रात घर नहीं आया लेकिन जब उन्हें घर वालों की याद बेकरार कर देगी तो वो खुद ही घर पहुंच जाएंगे तुम्हें मालूम है कि अनवर मेरा एक ही बेटा और मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है उसे मुझसे छीनकर तुम्हें इसके सिवा और कुछ हासिल नहीं हो सकता तुम्हारे चाहने वालों में एक चाहने वाला और बढ़ जाएगा लेकिन अगर मैंने उसे खो डाला तो मेरे लिए जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा रहे या ना रहे मैं इसकी जिम्मेवार नहीं आप ये चाहते हैं कि आपके लिए मैं अपनी जिंदगी पर बात कर लूं जो चीज तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना और मेरे लिए जिंदगी का सहारा और बुढ़ापे का आसरा है उसे बेदर्द बनकर मुझसे छीनने की कोशिश न करो आप भूलते हैं मोहब्बत छीनी नहीं जीती जाया करती है मैं अपनी हार मानता हूं और तुमसे अपने और अपने खानदान के लिए रहम मांगने आया हूं लेकिन अगर मेरे लिए ये किसी तरह मुमकिन ना हो तो जो चीज तुम बख्श नहीं सकती उसे मेरे हाथ दे डालो भला सुनो तो कि किसी का दिल तोड़ने की कीमत आप क्या ठहराते हैं मैं तुम्हारे लिए एक चेक लिख कर साथ लाया हूं मेरी जिंदगी उजाड़ डालने की कीमत सिर्फ 2000 आप बहुत संगदिल मालूम होते हैं अनवर मुझसे जितना जेब खर्च पाता है उसमें से इतनी रकम वो शायद एक साल में भी तुम्हारी नजर ना कर सके आप शायद ये समझे बैठे हैं कि मैं अनवर के दिल की नहीं उसके बटवे की तलबगार हूं मैं 3000 रुपया तुम्हारी नजर कर सकता हूं आपने दिलों के मेल को बच्चों का खेल समझ रखा है 4000 रुपया काश आप मेरा सीना चीर कर देख सकते कि मेरे दिल में अनवर की मोहब्बत कितनी गहरी उतर चुकी है मैं
5000 से ज्यादा देना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन नहीं। एक टूटे हुए दिल को इस दुनिया की दिलचस्पियां 20,000 से कम में नहीं बहला सकती। अगर तुमने मुझे लखपति समझ रखा है तो तुम गलती पर हो। गाहक लखपति हो या फकीर, दुकानदार सिर्फ माल की कीमत बताता है। अगर तुम्हारे दिल में एक मर्द का दुख रहम पैदा नहीं कर सकता तो एक माँ की ममता पर तरस खाओ। लेकिन मेरा हक चाहने वाला एक माँ रखता है। बहुत अच्छा, मुझे तुमसे इसके सिवा और कुछ नहीं कहना कि जिस खुदा ने मेरी गोद एक बेटे से आबाद की उसकी बे आवाज लाठी एक दुखियारे बाप के आंसू अकारत में चले जाने देगी। मिस नरगिस, ये तुमने क्या किया? 5,000 की रकम तुमने यूं ही छोड़ दी। जो शख्स 5 मिनट में 5,000 तक जा सकता है वो सोच विचार के बाद 20,000 भी अदा करने पर तैयार हो सकता है। अच्छा तो अनवर के ले जाने को कार मंगा लो। अभी रहने दो, अनवर का बाप अगर दोबारा ना आए तो तुम टेलीफोन पर उससे खुद बात करना और देखो और रकम खींचने की कोशिश करो। मुझे किस बात का डर नरगिस के दरवाजे पर खींच कर ले गया था। मैं समझता था आप ज्यादा मजबूत दिल के मालिक होंगे। ये बीमार दिल बहुत कुछ सह सकता है लेकिन इसे एक सवाल, सिर्फ एक सवाल ने बेचैन कर रखा है। किस सवाल ने? बुजुर्गों के खून का असर औलाद और औलाद की औलाद में तो नहीं पहुंचता। क्यों पूछते हैं आप? मेरे दिल का इत्मीनान, मेरी रूह की तशफी, मेरा सब कुछ इसी सवाल के जवाब पर मौकूफ है। सिर्फ इस सवाल के जवाब पर? तुम इसका जवाब दे सकते हो? हाँ, मैं कह सकता हूं कि बुजुर्गों के खून का असर औलाद और औलाद की औलाद में नहीं पहुंचता। तुम ये क्यों कर कहते हो? पहुंचता तो आज मेरा बेटा खुशहाली और इज्जत की जिंदगी न बसर कर रहा होता। तुम्हारा बेटा खुशहाल और बाइज्जत है? सुनता हूं तुम्हारे खून के असर से उसे क्या बनना चाहिए था। सुन सकेंगे? क्यों नहीं, सुनकर मुझे अपने कदमों से झुका तो न कर देंगे? हरगिज़ नहीं। तो सुनिए, मेरे खून के असर से उसे भी ये खूनी मुजरिम बनना चाहिए था। खूनी? और तुम खून कर चुके हो? दो इंसानों का खून। दो इंसानों का खून? खुदा की तरह। और तुम आजाद थे रहे हो? मैं अपने जुर्म की सजा में सारी उम्र का रह चुका हूं। तुम कौन हो? मैं मैं अमजद बोल रहा हूं। कौन? मिस नरगिस का मैनेजर? आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, मगर मैंने जो रकम पेश की थी वो मिस नरगिस ने रद्द कर दी। जी हां, नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा रकम पेश करना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन है। मिस नरगिस को मेरी मुसीबत पर रहम आ गया। वो क्या चाहती हैं? हां, जरा जोर से बोलिए, कितने रुपए? लाइए मुझे दीजिए। क्या 5,000 रुपए? उनसे कह दीजिए 5,000 रुपए तो क्या, हमसे उन्हें 5,000 पैसे भी नहीं मिल सकते हैं?
यह हमारा आखिरी फैसला है। जो कुछ उनसे हो सके वो कर ले, और जो कुछ हमसे होगा हम कर लेंगे। जिसकी मोहब्बत में ज्यादा तासीर होगी अनवर उसी का हो रहेगा। हाँ, मेरी मोहब्बत अपनी तासीर खो बैठी। क्या हुआ? मेरे एहसानों का मुझे ये इनाम मिल रहा है। एहसान? तुम बेचारे किसी पर क्या एहसान कर सकते हो? नरगिस, अगर मैं तुम्हारे भेद न छुपाऊं, तुम्हारी धोखाबाजी और मक्कारियों पर पर्दा न डालूं, तो तुम्हें दुनिया में रहना मुश्किल हो जाए। तुम जैसे कुत्तों के भौंकने की मैं कब परवाह करती हूँ? अच्छा, तो मैं अभी अनवर से मिलकर तुम्हारा तमाम भाड़ा फोड़े देता हूँ कि तुम मोहब्बत के पर्दे में उससे मक्कारी कर रही हो, और उसे फांसने के लिए तुमने इकबाल से 1,000 रुपया लेने का वादा ले रखा है। ठहरो तो, जरा सी बात पे रुट गए। वाह, पहले बेइज्जती कर ली और अब लगी प्यार करने। सुनो तो, सुनो। वादा रहा था? हाँ, वादा। अच्छा तो लो, अब तुम नवाब साहब के घर जाओ और वो जो परसों रात वाले रुपए बाकी रह गए थे ना वो ले आओ। हाँ, जाओ, शाबाश, जाओ। हेलो मिस नरगिस, हाउ डू यू डू? आहा, ये सूट पहनकर तो आप बहुत जच रहे हैं। क्या जचना वचना मिस नरगिस, लाख सूट पहनूं आप पर तो कुछ असर ही नहीं होता। अजीब टाइप है आपका, कम से कम इंग्लिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो क्या अब जीनत का ख्याल आपके दिल से निकल गया जिसे आप अनवर से छुड़ाना चाहते हैं? जीनत की नहीं, बल्कि जीनत की जायदाद की फिक्र है। रहा आपके बारे में, वो तो गुसलखाने ही में दिल दे बैठा था। लेकिन आपने मुझे तो अपनी मोहब्बत कभी नहीं जाहिर की। क्या मोहब्बत जाहिर करता मिस नरगिस, आप तो शुरू ही से अनवर के फंदे में फंसी हुई हैं। वाह, आपने खुद ही तो मुझे अनवर को उल्लू बनाने के लिए कहा था। That's right, मगर अब सब्र नहीं होता मिस नरगिस। वैसे तो मैं भी इंग्लैंड रिटर्न हूँ, नौजवान हूँ, खूबसूरत हूँ। वैसे आप भी समझदार हैं मिस नरगिस, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, यानी मेरा मतलब है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। बिल्कुल वही, आप बड़ी समझदार हैं मिस नरगिस, मैं क्या अर्ज करूं। इसी खुशी में आज की रात किसी शानदार होटल में, मेरा मतलब है आप समझ गई होंगी मिस नरगिस। आ तो चलिए ना। ठहरो संग दिल हरजाई और दगाबाज भाई, तुम्हारी साजिश की कहानी मेरे कानों ने खुद तुम दोनों की जबानी सुन ली। और तुम कमीनी रंडी, आखिर रंडी ही निकली, तुम्हें मुझे तबाह करने की कीमत अदा करनी होगी। खबरदार, इट्स ओके। मैं सोच भी ना सकता था कि अनवर का दिल अपने माँ बाप से यूं फिर सकता है। काश आपने ये जिक्र अनवर मियां से न छेड़ा होता। घर फूकता हुआ देखता और हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। एक ऐसे ही मौके पर किसी नौजवान के अजीज हाथ पर हाथ धरे न बैठ सके थे, लेकिन हुजूर उन्होंने अपना घर बचाने की कोशिश में उस नौजवान तक को फूंक डाला था। उस नौजवान को भी किसी बाजारी औरत से मोहब्बत थी। जिस मुल्क में हुस्न बिकने के लिए दुकानों पर सच कर बैठता हो, वहां जवानी में किसी का बेराह हो जाना अनोखी बात नहीं। उस नौजवान के दिल से भी बाप का अदब और माँ का लिहाज इसी तरह उठ गया था। वो सिर्फ बीवी और एक बच्चा रखता था। अल्लाह ताला ने उसके माँ बाप को उसकी बर्बादी से पहले उठा लिया था। उस नौजवान का अंजाम क्या हुआ? जब उस पर घर की मोहब्बत ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और बेवफा बेसवा ने उसके इश्क को ठुकरा दिया, तो बदनसीब
नाउम्मीदी में मुजरिम बन गया। मुजरिम? तो वो बाजारी औरत उसकी मोहब्बत की कदर न कर सकी? हुस्न के बाजार में मोहब्बत का खोटा सिक्का नहीं चलता, वहां सिर्फ सोने और चांदी से काम निकलता है। सोने और चांदी से? तो ये डायने अपने चाहने वालों के बदकिस्मत बापों से सोना और चांदी मांग क्यों नहीं लेती? उनके बच्चों की जिंदगियां उजाड़ने पर क्यों तुल जाती हैं? शिकारियों को परिंदे बाजार से खरीद कर नहीं, अपनी बंदूक से गिरा कर लुत्फ आता है। जाती हूँ मैडम। ये क्या रास्ता रोककर बैठी हो? कोई और जगह नहीं थी तुम्हारे खेलने? नहीं बिल्ली, एक तो रात भर गायब रहते हैं, फिर तो रोब दिखलाते हैं। क्या कहा? खुदाया मेरी बेबसी पे तरस खा, तेरे सिवा कौन है जो मेरे दुख में मेरा साथ दे? जिंदगी का सहारा सिर्फ अनवर थे, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। अब तेरी ही दरगाह में इल्तिजा है, अपनी रहमत से मेरी मदद कर। आमीन। क्या हुआ नजमी? उठो नजमी, उठो, उठो। क्या हुआ तुम्हें? बड़े आए मारने वाले। किसने मारा तुम्हें? अनवर भाई ने मुझे बड़े जोर से मारा है। आज इतनी जल्दी आ गए? अजीब पागल से नजर आ रहे हैं, आंखों से वहशत बरस रही है। है कहाँ? अपने कमरे में। हाला जाम से उनकी शिकायत ना करना। आए? अच्छा तब तुम सो रहे हो। मैं अभी आती हूँ। लिया है, ना जाने क्या करने पर तुले हुए हैं, अजीब परेशान से नजर आ रहे हैं। उठो जल्दी चलो माली। नरगिस आ गई हैं, और कौन है उनके साथ? कौन? इकबाल? अच्छी बात। माली, ये खतरनाक इन जोशीले हाथों के लिए नहीं है। लेकिन बेवकूफ, छोड़ मेरा हाथ। अरे आप पिस्तौल छोड़िए। नहीं छोड़ेगा, हट जाओ। नहीं छोड़ेगा, मैं कभी नहीं।
छोड़, हरगिज़ नहीं। हट जाओ, मर जाऊंगा तब भी छोड़ दो, कभी नहीं। छोड़ दो, हट जाओ, हरगिज़ नहीं। अनवर, ये क्या हो रहा है? अभी ये क्या हो रहा है? हुजूर, अनवर मियां ने पिस्तौल निकाल लिया था, मैंने उनसे जबरदस्ती छीन लिया। अनवर ने पिस्तौल निकाल लिया था, क्यों? उनका इरादा खौफनाक नजर आ रहा था। यार अब तेरी यही मंशा है कि जो सख्त जान अपने बाप के पहुंचाए हुए दुख सह गई, वो आप औलाद के दिए हुए दागों से तमाम हूं। मेरे हुजूर, इतनी नाउम्मीद न हो जी, दुनिया उम्मीद पर कायम है। होगी, लेकिन हर पल मुझे अपनी उम्मीदों से ज्यादा दूर किए दे रहा है। नाउम्मीदी गुनाह है। आसमान के किसी फरिश्ते ही की इमदाद मुझे इस गुनाह से बचा सकती है। अपनी मदद आप खुद भी कीजिए। लीजिए ये पिस्तौल। ये पिस्तौल, काश ये हमारे खानदान में ना आया होता। आपके खानदान में? ये पिस्तौल आपको किसने दिया? बदनसीबी ने। वो शख्स कौन था जिससे आपने ये पिस्तौल पाया? वो शख्स एक खूनी बदचलन, एक बेवफा खामिन, एक संगदिल बाप। संगदिल बाप? किसका बाप? मेरे हुजूर, मेरे आका, किसका बाप? तुझे इससे क्या? मेरे हुजूर, तबीयत कैसी है? मगर अनवर कहाँ है? अपने कमरे में होंगे हुजूर। कमरे में? वो घर ही में है। मगर इससे क्या, उसका दिल, उसकी रूह मेरे घर में नहीं, वो वही है, उसी एक्ट्रेस के कदमों में। खुदाया, कोई नहीं जो मेरे बेटे को उस औरत की गुलामी से आजाद करा सके। हुजूर, आप आराम से सो जाएं। खुदा ने चाहा तो अनवर मियां उस एक्ट्रेस के फंदे से बहुत जल्द छूट जाएंगे। झूठी तसल्लियां बेकार है,
उसका छुटकारा किसी तरह मुमकिन नहीं। मेरे हुजूर, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई नहीं जो मेरे लिए नामुमकिन को मुमकिन बना सके। ये आप नहीं जानते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाजुओं में इस रात की सुहानी याद मेरे दिल में हमेशा कायम रहेगी। नरगिस, हमारी मोहब्बत की हर रात बॉलरूम के डांस, शराब और ऐशी शिल्प में गुजरा करेगी। ये जिंदगी जिसकी मुझे अब तक कद्र ना थी, तुम्हारे मिलने से एक खुशनुमा सपना बन गई। हाँ, ऐसा सपना जिसको पाकर हमें दोजख और जन्नत दोनों की परवाह न रहेगी। मैं समझूंगी जो मेहनत मैंने अनवर पर की उसका इनाम मुझे तुम मिल गए। गमार और जाहिल जीनत के बदले तुम सी फैशनेबल लड़की मिल जाना मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। तो आओ, हाथों में हाथ और आंखों में आंखें डालकर बैठे और अपनी नई मोहब्बत की इस पहली रात को जितना सुहाना बना सकते हैं बनाएं। मोहब्बत की रात को सुहाना बनाने वालों, तुम्हारी जिंदगी की रात तमाम हो चुकी है। तू हट जा सामने से, पादी छोड़, मैं तो तेरा भी खून बहा दूंगा। छोड़ दे चाकू बदमाश, छोड़ मेरा हाथ यू रास्कल, छोड़ दे नहीं तो ये, छोड़ मेरा हाथ गुंडा, छोड़ दे चाकू, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ दे चाकू। बड़ा सूरमा बनकर आया था। Come on, darling, you don't worry. चाकू लेकर आए थे मुन्ने मियाँ। ऐसी खतरनाक चीजों से खेलने की इजाजत अम्मा जान से मिल जाती है, उन्हें खौफ नहीं मालूम होता कि कहीं लाडले की उंगली ना कट जाए। बेवफा दलील रखता पीछे हुए कुत्ते की तरह उस वक्त तक चुपचाप पड़ा रहे जब तक पुलिस आकर इन चाकू चलाने वाले हाथों में अक्कल न डाल दे। खबरदार, खानदान के इस नौनिहाल के हाथों में हथकड़ी तू लगवाएगी। बाजार की नागिन, ये पुराना जिस्म एक तेरी बहन के जहर से जिंदगी भर तड़पता रहा है और अब उसके खून की आखिरी जिंदा बूंद में तू जहर उगलना चाहती है। नौजवानों की जिंदगी, माँ और बापों की राहत, खानदान की शराफत को मिट्टी मिलाने वाली इस वक्त तेरी जिंदगी इस बूढ़ी उंगली के एक इशारे पर खत्म है। अरे खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया, 10 नंबर कमरे में मैनेजर साहब खून हो गया, मैनेजर साहब खून हो गया। कहाँ? 10 नंबर कमरे में। 10 नंबर में? जी हाँ, नरगिस मीम साहब के रूम में। ये क्या हुआ? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, माली साहब, इसी कमरे में से आवाज आई है। कमरा है,
इसको तो किसी ने शूट कर दिया है। ये तो मर चुकी हैं। इनके साथ और कौन कौन रहता है? इनके साथ इनका एक मैनेजर भी है, और भी बहुत से लोग मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये खुद डांसर है। वेल डन वेल डन, आप लोग बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच गए। कम से कम इंग्लिस्तान में पुलिस कत्ल के मौकों पर ऐसे पहुंच जाती है। हाँ, गिरफ्तार कर लिया उन्हें? कहाँ है वो? हमें चकमा देते हो? व्हाट चकमा? ये चाले यहाँ नहीं चलेंगी, हथकड़ी लगाओ। व्हाट डू यू मीन? ए ए ए, क्या करता है? छोड़ दो नॉनसेंस, क्या करता है? शाप! स्लोली स्लोली स्लोली। ये हैं आपके अनवर मियां। अब ये सिर्फ आपके हैं। माली के हाथ में पिस्तौल क्यों था? माली, क्या क्या हुआ? माली माली, अनवर, क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? माली माली, देखिए अपाजन, माली के सीने से खून निकल रहा है। माली, ये पिस्तौल तुमने चलाया था? नरगिस के बाद अपने आप पर। नरगिस के बाद? ठंडी लाश, अब मेरे प्यारों को कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। तुमने अपनी जान देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया। कुछ कीजिए इनके लिए, डॉक्टर को बुलवाइए। मौत का सियाहूं, जिंदगी के दरवाजे पर दुख ने टेक चुका है। चंद सांस बाकी है, उसे न रोको, आसानी से निकल ले। मेरे बूढ़े माली, मेरे मेहरबान दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप। बाप? मुझे बाप किसने पुकारा? सचमुच तू मुझे बाप कहकर पुकार सकता है? माली, मैं अपने आप को खुश समझता,
अगर मेरे बाप होते मुझे अपने बाप को माफ कर अख्तर तुम कौन हो एक खूनी यार बेवफा शौहर तुम्हारा संग दिल बाप मेरा बाप हाँ बदमती मेरे दादा दादा जान प्यारे अख्तर दादा जान नजमी अब तुम्हारा मालिक बहुत दूर जा रहा है जहां तुम्हारी नजरें नहीं पहुंचती मगर दुआएं पहुंच सकती हैं मेरे दादा मेरी नजरें तुम तक नहीं पहुंच सकती लेकिन मेरी दुआएं तुम तक जरूर पहुंचती होंगी और हमेशा पहुंचती रहेंगी और जब तक आपके खानदान में से एक भी नामलेवा मौजूद है उसकी दुआएं हमेशा आप तक पहुंचती रहेंगी